अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ नमस्कार आपकी अदालत में आपका स्वागत है आपकी अदालत में हम पेश करते हैं आपके और हमारी दुनिया के ऊंचे लोगों को बड़े लोगों को ताकतवर लोगों को ऐसे लोग जिनसे जनता सवाल पूछना चाहती है जिनके कामकाज की सफाई मांगना चाहती है पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत अदालत की कार्रवाई शुरू करी जाए तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में पहला इल्जाम राहुल बजा पर। की अदालत में इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल बजाज पर इल्जाम है कि इनमें दूर दृष्टि नहीं है राहुल जी ये सही है कि आप टू व्हीलर्स की दुनिया के बेताज बादशाह हैं सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आपने की लेकिन यह भी सही है कि बादशाह जफर की तरह आप आराम से बैठे रहे आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को धीरे धीरे आगे बढ़ के मार्केट पर कब्जा करने दिया मैं अच्छा आदमी हूँ कॉम्पिटेटर को भी आगे बढ़ने देता बात में कोई गलती है क्या और देखते रहते हैं कि कारवा गुजर गया नहीं बजाज ऑटो भी खुश है हमारे कंपेरेटर्स भी खुश हैं ये बात सही है कि जब नई नई कंपनियां आईं उसके बाद से जहां बजाज ऑटो को पहुंचाना चाहिए था वहां तक आपने नहीं पहुंचाया। जब कस्टमर ने अपनी चॉइस रजत जी स्कूटर से मोटरसाइकिल पर की बड़ी जल्दी की स्कूटर से जब मोटरसाइकिल बने तब जैसे हीरो हंडा का नाम भेज रहे मेरे हिसाब से बड़ी टॉप क्लास कंपनी है टॉप क्लास मैनेजमेंट है स को लाइबरेटर है इसके अलावा उसको एक फायदा था वो सिर्फ मोटरसाइकिल बनाती थी और हम तो स्कूटर ही बनाते बनाते थे थे मोटरसाइकिल बहुत कम थी. यही फोर तो फायदा थी मिला। यही फोर चाहिए थी कि जब जमाना बदल रहा था तब आपने ध्यान नहीं दिया उस पर बदलने के बाद तो सबको समझ में आता जैसे आपको समझ में आ रहा है <laughs> पर पहले से कितना क्या देख सकता था आदमी क्या नहीं जरूर कुछ लोग बोल सकते हैं कि शायद आप छह महीना बारह महीना दो साल पहले वेक अप हो जाती। सो रहे थे राहुल साहब दस साल की डिलीवरी पीरियड थी सेलर्स मार्केट था मजा कर रहे थे आप तो हो सकता है पर देखिए उसके बाद क्या जल्दी से बदले हम नंबर चार थे मोटरसाइकिल में हम आज क्लियर कट नंबर दो है सबसे तो बहुत आगे है हिरो हांडा अभी भी नंबर एक ये आपके आलस का नतीजा नहीं है आलस से भी ज्यादा आप बोल सकते थे बेवकूफ़ी का इशारा मैं थोड़े आदर्श के साथ पूछ रहा हूँ आप बड़े काइंड हैं पर परिरों लोग बोलते हैं राहुल बजाज कॉल्स तो अब यदि बेवकूफ़ी थी मेरी तो मुझे मानना पड़ेगा लेकिन बजाज साहब बात यह कि आपका जो स्कूटर है वो भी नहीं सुधरा अब तक आज भी उसको उसको स्टार्ट करने के लिए पहले उसको लेफ्ट करते हैं फिर राइट करते हैं देखिए लोगों को हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं लोग आलसी हैं आपने मुझे आलसी बता दिया कुछ बोलते हैं लोग मोटे हो गए तो मैं विदाउट एक्स्ट्रा चार्ज उनको कसरत दिलवाता <laughs> इधर करो इधर करो आप पैसे दाम बढ़ाते जाएंगे लेकिन जो स्टार्ट करने के लिए किक लगानी होती है वो कम नहीं होगी आज क्वालिटी में बजाज का स्कूटर और बजाज का मोटरसाइकिल एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट करता हूँ दुनिया में देख लीजिए हिंदुस्तान तो छोड़िए किसी से कम नहीं है क्वालिटी में परफॉर्मेंस में प्राइस में आज वी कैन कम्पीट इथ एनी कोई भी आप मोटरसाइकिल कंपेयर कर लीजिए और कोई भी स्कूटर कंपेयर कर लीजिए पर ये जरूर है ये तो आप विज्ञापन कर रहे हैं अपनी कंपनी का अब देखिए आपने मौका दिया है मुझे अब मौका देंगे और वो भी फ्री मौका इस विज्ञापन के लिए कॉस्ट नहीं है टाइम जरूर देना पड़ा मुझे यहाँ आने का पर तो आप मौका देंगे मैं छोड़ दूँगा फिर आप बोलेंगे आप आलसी हो आपकी आलस का एक और उदाहरण यह है कि जब बाकी कंपनियां फोर व्हीलर्स में एंटर कर रही आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया एक कंपनी का आप नाम ले सकते हैं जो कि फोर व्हीलर एंटर की और आज भी उसमें है हिंदुस्तानी एक भी नहीं है मेरे दोस्त हैं सब तो नाम नहीं लेना चाहता घुसे हमारे मित्र घुसे अब फिर से घुस रहे हैं वो अलग बात है अभी तक घुसे आनंद महेंद्रा मेरे छोटे भाई घुसे चंद्रकांत बिरला हमारे दूसरे मित्र घुसे किरलोस्कर कोई टोयोटा कोई जनरल मोटर्स कोई फोर्ड वो तो कंपनियां किसकी हैं आज सौ टका फॉरनर्स की हैं आप नाम के वास्ते वहां पर दो ही लोग थे फोर व्हीलर अब हिंदुस्तान में और दो ही हैं हिंदुस्तानी टाटा ट्रक में था कार में आए और बहुत अच्छा काम किया पहले तकलीफ हो गई थी शुरुआत कंपनी तो की तकलीफ हो गई थी अब टुडे इज आउटस्टैंडिंग और हिंदुस्तान मोटर्स हमारे सी बिड़ला वो अपने एम्बेसडर बनाते थे उसके लिए आप लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं सब कुछ आवाज़ करता है हॉर्न के अलावा पर ऐसी कोई ख़राब चीज़ नहीं है मैं भी उसका बोर्ड मेंबर था में 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 किसी ज़माने में तो इन दो के अलावा जो गए सब निकल गए बिकॉज हमारी जजमेंट जो तो आपने मौका दे दिया फिर से एक इश्तिहार करने का कि क्या करेक्ट डिसीशन था कि हमें मालूम हमने मुझे क्लियर मालूम था जो हमने स्टडी किया उसको रिनो से बात की फ्यूजे से बात की हुंडाई से होंडा से टोयोटा से सबसे बात की सबसे ज़्यादा क्राइसलर से बात की पर मुझे क्लियर हो गया उस वक्त स्टडी करके कि कार मार्केट हिंदुस्तान में बी डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स जिस आदमी को एक्सपीरियंस था सड़कों का टू व्हीलर्स बनाने का व्हीकल्स बनाने का जिसको इतनी सपोर्ट मिली जनता से उसी से तो उम्मीद की जाती थी कि वो फोर व्हीलर के मार्केट में भी उतरे और ऐसी इंडियन कार बना के दे जो जनता के काम आए नहीं वो हमने बहुत सुना लोग ये भी बोले आपके थ्री व्हीलर में एक व्हील और लगा दो बन जाएगा फोर व्हीलर अब इतने आसानी से बन जाता तो बड़ा अच्छा रहता रजत जी पर देखिए आई कॉल माई सेल्फ अ ऑप्टिमिस्ट और अब ऑप्टिमिस्टिक रियलिस्ट मतलब पेसिमिस्ट होना तो देखिए बहुत बुरी बात है होना चाहिए ऑप्टिमिस्ट पर वो ऑप्टिमिज्म का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि आप शेख चल्ली बन गए भगवान की कृपा है भगवान ने मुझे बुद्धि दी कि भैया तू राहुल आलसी रहे कुछ भी रहे कार में मत जाना <laughs> दो व्हीलर दे क्योंकि तो रजत शर्मा कार खरीदता है पर हिंदुस्तान का मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास गरीब आदमी टू व्हीलर खरीदता है तो राहुल तेरे को हमने इस देश में भेजा है उसकी फिक्र करने के लिए रजत शर्मा जैसे लोगों की फिक्र करने के लिए नहीं आपने कभी टू व्हीलर चलाया उसकी बड़ी बड़ी कहानी है अभी तो क्लैपिंग और होने वाली है मैं गया दो कहानियाँ जरा जल्दी बोलता हूँ मैं स्कूलिंग किया बम्बई में 54 दिसंबर में सीनियर केवरेज पास की और कॉलेज भी अच्छा था सेंट स्टीफन्स हम आ गए सेंट स्टीफन्स हॉस्टल में रहे तीन साल किसी तरह से पास हो गए भाई ठीक है हो गए पास बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर ली हमने सोचा था आराम से गाड़ी चलाएंगे तीन साल बजाज स्कूटर चलाया पर उसका नाम उस वक्त मानना पड़ेगा 55 फाइव टू फिफ्टी की बात है वेस्पा बोलते थे उसका नाम तो हुआ ना बजाज सिक्सटी वन से तीन साल चलाई जी पिताजी बोले गाड़ी कौन सी नो गाड़ी पर वो तब भी ठीक मजा आया अब आ गए बंबई दो साल इलेक्ट्रिक बजाज इलेक्ट्रिकल में ट्रेनिंग की लॉ भी कर लिया साथ में अब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैं जो एम करने गया सिक्सटी में उसके पहले दो साल हमारी स्टील कंपनी है मुकुंद करके कुला में हम रहते थे साउथ बॉम्बे में तो वहाँ वो हमारे से बड़े पंद्रह किलोमीटर दूर है बीस किलोमीटर दूर है तो बोले ट्रेनिंग के लिए अब दो साल वहाँ जाना है मैं ठीक है बहुत अच्छा अरे तब तक तो, तो मैं बाईस साल का हो गया था तो जाना शुरू करने वाला था चार दिन पहले तो पिताजी बोले गाड़ी नहीं गाड़ी नहीं मतलब ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो ठीक है तीन साल चलाई है स्कूटर स्कूटर भी जाएंगे माँ ने बोला स्कूटर नहीं बहुत रिस्की है मतलब बस में जाने की बात मैंने बोला बस में नहीं पिता बोले कार नहीं माँ बोली स्कूटर नहीं मैं बोला बस नहीं तो करीब हालत ये आ गई थी ट्रेनिंग ही नहीं होने वाली थी फिर मैं यार आता ही नहीं तो मैं माँ के पास गया माँ को बोला हम टू व्हीलर बनाने वाले हैं माँ अब तू बोलेगी रिस्की है चाहे रिस्की हो या नहीं हो पर बोलना तो नहीं चाहिए ना <laughs> तो स्कूटर पे दो साल ट्रेनिंग के लिए गया तीन साल दिल्ली में सेंट स्टीफन से करॉट प्लेस में कभी कभी कुछ मस्ती करने भी आता था और दो साल वहाँ कोरला में पांच साल चलाई है जी स्कूटर आपने कितने साल चलाई है मैंने सोचा था कि आप अदालत में स्कूटर पर आएंगे ओ, ये बात, तो बात है अगर आप आते स्कूटर पे तो स्कूटर को पब्लिसिटी थोड़ी और मिलती और ये भी बात ठीक है राहुल बजाज बैठा है पब्लिसिटी मिलती या नेगेटिव पब्लिसिटी होती किसको मालूम क्या होता आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं जाने माने उद्योगपति राहुल बजाज पर जनता का मुकदमा जारी रहेगा एक के बाद अदालत में आमतौर पर मुकदमा चलाते हैं राजनेताओं पर सेलिब्रिटीज पर आज जनता के सवालों के घेरे में है जाने माने उद्योगपति राहुल बजाज आपकी अदालत में उद्योगपति राहुल बजाज पर आरोप है कि ये राहुल जी बात सही है कि समझा नहीं अब समझाता हूं हाँ। <laughs> बजाज ग्रुप के फाउंडर जमुना जी वो कांग्रेस पार्टी के बहुत करीब थे यमुना लाल जी ना तो कांग्रेस पार्टी के करीब थे ना और किसी पार्टी के करीब थे ना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे जमुना लाल जी तो एक संत तरीके के आदमी थे जो हम बिल्कुल नहीं हैं और सिर्फ उन्होंने गांधी जी को माना और विनोबा को कुल गुरु माना गांधी को पिता तुल्य माना गांधी जी के बोलने से उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ट्रस्टी नहीं ट्रेजरर बनाया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का वगैरह 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 तो वो उस तरह से इन्वॉल्व हो गए फिर दादाजी जमुना लाल जी दादी जी जानकी देवी जी जो पद्म विभूषण उनको दिया गया बाद में मेरे पिताजी मेरी माता जी जो कि एक, एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली कलकत्ता से आई थी सबके सब, सब ब्रिटिश जेल्स में थे और मेरे चाचा भी रामकृष्ण बजाज पर किसी ने भी फ्रीडम फाइटर के नाम का कोई फ़ायदा हम लोगों ने न लिया न तो रेल पास लिया न और कुछ फ़ायदा लिया न भगवान की कृपा से दरकार पड़ी उसकी आप कांग्रेस के करीब हुए हर कांग्रेस के नेता को बजाज की डीलरशिप देखे ये तो आज ही मालूम पड़ा मुझे आप बोलते हैं हम कांग्रेस के बहुत क्लोज हैं। कांग्रेस बोलती है तुम बीजेपी के हो बीजेपी बोलती है तुम कांग्रेस के हो और मैं बोलता हूं मैं हिंदुस्तान का हूं ना कांग्रेस का हूं ना बीजेपी का हूं आप सिर्फ उसके हैं जो पावर में बैठा है तब तो मेरे को सबकी चमचागिरी करनी चाहिए आप बिल्कुल कहते हैं क्रोनिज्म करना चाहिए चेला बनना चाहिए आजकल के लोग तो बोलते हैं इंडस्ट्रिय में एक ही है बेवकूफ जो गाली देता है गवर्नमेंट को चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो देखिए मैं आपको उदाहरण बताता हूं मे नाइनटीन की बात है जब पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे आपने कहा कि इनसे बेहतर वित्त मंत्री देश के लिए उन्होंने नहीं नहीं जब वो ड्रीम बजट लगाया वो बाद में ड्रीम बजट का क्या हुआ वो अपन जानते हैं गवर्नमेंट गिर गई वो हम जानते हैं पर वो ड्रीम बजट बड़ा जोरदार था हिंदुस्तान ने उसको ड्रीम बजट माना तो आपने मेरी नहीं क्या गलती हुई कि मैंने भी उसको ड्रीम बजट माना हमारे टैक्सेस इतने कम कर दिए बहुत कुछ अच्छा किया देश का भला भी किया अब उसका शायद ये स्टेटमेंट कर दिया होगा तो इससे कोई सबूत नहीं मिलता कि उसने अच्छा काम किया तब भी गाली दे उसको नहीं, तो नहीं अच्छा काम किया तो हमने बोला अच्छा काम किया सबूत इस बात से मिलता है मैं आज भी मानता हूं रजत जी की चिदंबरम साहब नॉलेज इंटेलिजेंस आर्टिकुलेटनेस इनसे इन टोटैलिटी बेटर फाइनेंस मिनिस्टर पिछले 25 साल तीस साल में शायद नहीं हुआ जबकि प्योर नॉलेज में डॉक्टर मनमोहन सिंह बेटर थे ये तो आप इसलिए कह रहे हैं कि एक वित्त मंत्री है एक प्राइम मिनिस्टर है अब वो सुझे? सूट करता है मेरे को मैं क्या करूं कल बीजेपी वापस आ जाएगी गवर्नमेंट में यशवंत सिन्हा को तो पार्लियामेंट में मनी शंकर ये अय्यर जो आज मिनिस्टर उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था यशवंत सिन्हा के लिए ये तो राहुल बजाज का फाइनेंस मिनिस्टर है बीजेपी का नहीं है आप यशवंत सिन्हा से पूछ लीजिए उनसे क्यों पूछूं मैं आपके बयान आपको याद दिलाता हूँ बीजेपी पावर में आई थी हाँ। तो मतलब आप बीजेपी का बन गया देखिए अक्टूबर नहीं जो पावर में आता है उसके बनते हैं आप अच्छा ये बात है ये आइडिया अच्छी है अक्टूबर नाइनटी में आपने कहा अक्टूबर नाइनटी 19 -19 -19 -19 -19. आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने हैं इससे अच्छी बात देश के लिए कोई हो ही नहीं सकती नहीं मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं मैं इन चीजों में कभी मानता नहीं कि इंडिया इज इंदिरा इंदिरा इज इंडिया साहब बोलते थे ये सब नहीं पर आज भी मैं कहता हूं जब आज तो वो प्रधानमंत्री नहीं है ना वाजपेयी जी एक हमारे बड़े आउटस्टैंडिंग प्रधानमंत्री रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेरी प्राउड पर इनसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता और ये है और वो है हमने ये किसी के लिए नहीं कहा किसी कॉन्टेक्स में आप लोग हमसे बहुत कुछ कहला लेते हैं जर्नलिस्ट लोग तो अब कुछ कहलवा लिया होगा तो मुझे मालूम नहीं इलेक्शन होने से पहले आपने कहा था ये जो फील गुड की बात बीजेपी कर रही है बात सही बात कर रही है वाकई में देश में फील गुड है बहुत चीजों में बीजेपी की पॉलिसी बड़ी अच्छी थी बहुत चीजों में वो कह सकते थे इंडिया शाइनिंग जैसे अडवाणी जी ने जब रथ यात्रा की तो उसको भारत उदय कहा जिसका मतलब नहीं है इंडिया शाइनिंग उसका मतलब है इंडिया राइजिंग कम्युनिकेशन में उनकी बहुत गलती हुई पंद्रह फरवरी 2004 को अरे मैंने अभी चार किया बजट को आपने नहीं सुना पिछले तीन दिन में पहले पुरानी बात तो, तो पुरानी बात है, है। नई बातें नहीं हमने सोचा आगे की सोचे ये फ्यूचर की सोचे ये हिस्ट्री पे क्यों जाते हैं बीबीसी रेडियो के हिंदी कार्यक्रम भाग लेते हुए राहुल बजाज ने श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए उन्होंने कहा मेरा मानना है कि फील गुड माहौल की जो बात कही जा रही है वो सही है और उसे जारी रहना चाहिए आज भी मैं रिपीट करूंगा उसको उस समय के लिए इंडस्ट्री में बड़ा जोरदार फील गुड फैक्टर था बहुत जोरदार फील गुड फैक्टर था पर इंडस्ट्री के पास वोट कितने हैं इंडस्ट्री के पास तो वोट नहीं है कोई पर जब पॉलिटिशियंस को इतनी बड़ी पोलिटिकल पार्टीज को बीजेपी को मालूम नहीं पड़ा तो हमें कहाँ मालूम पड़ता कि भाई गाँवों में क्या हो रहा है जब आप कांग्रेस सत्ता में होती है तो उसकी तारीफ करते हैं बीजेपी सत्ता में होती है उसकी तारीफ करते हैं जब रजत साहब के सामने खड़ा होता है तो रजत शर्मा की तारीफ करता हूँ तो कांग्रेस नहीं, नहीं, नहीं। जब सत्ता में होती है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हैं वो आपको इंडियन एयरलाइंस का चेयरमैन बना देते हैं ये उनकी गलती थी कि मेरी गलती थी और जब बीजेपी सत्ता में होती है वो आपको पदभूषण देती है इसका यह मतलब है मैंने तो सोचा ही नहीं था अभी तक जनता को सोचना चाहिए कि कटघरे में क्यों रख दिया मुझे मैं तो बहुत ही कोई ग्रेट आदमी होऊंगा सब पॉलिटिकल पार्टीज मेरे को बड़प दे कर रही है कोई पद्म भूषण दे रहा है कोई इंडियन का चेयरमैन बना रहा है मैं तो मुझे तो सोचा ही नहीं था मैंने कि मेरे में इतनी अकल है अगर विनम्रता छोड़ दूं तो कहूं कि जो सत्ता में होते है उसकी चमचागिरी करते हैं इसलिए मिलता है तो <laughs> कितने लोग कितने लोगों को इस तरह से मिली पद्म भूषण और कितने लोगों को चेयरमैन बना इंडियन एलाय इस तरीके से चापलूसी कर जो करते हैं एकदम गलत बात है मुझे उस, उससे बहुत नाराजगी है बहुत घृणा है आप जब फिर समय एनडीए की सरकार थी आपने कहा कि यशवंत सिन्हा जसवंत सिंह इनसे बेहतर इकोनॉमी देखने वाले मैंने कभी नहीं कहा नहीं कि अच्छे, अच्छा काम कर रहे हैं कहा होगा इनसे बेटर इकोनॉमी देने वाले नहीं है मुझे याद नहीं किया ये तारीफ की कि अच्छा काम करने वाले हैं जरूर मेरा ये भी आज मानना है आज कह रहा हूं जबकि कांग्रेस पार्टी पार में है खासकर यशवंत सिन्हा बिकॉज यशवंत सिंह जी तो फाइनेंस मिनिस्टर शायद साल भर ही रहे पर यशवंत सिन्हा वॉज अ वेरी अंडर रेटेड फाइनेंस मिनिस्टर और उन्होंने अच्छा काम किया एक बजट मैं पब्लिकली आज पहली बार कह रहा हूं एक बजट जो उन्होंने वो भी बजट खराब नहीं था पर दो एक चीजें उसमें ऐसी गलती डाल दी थी इंक्लूडिंग राइट और रॉन्ग डिविडेंड टैक्स रिमूवल डिविडेंड टैक्स री दूसरे दिन मैंने उनको फोन करके 40 मिनट बात की पूना से दिल्ली कि आपकी कुर्सी हिल गई है और वो ही हुआ कुछ दिनों बाद जब कांग्रेसी सरकार बन गई जब आपको लगा कि आप सोनिया बात जी हाँ जब सोनिया गांधी अब पूरी तरह कमांड में है हुँ. तब आपने ये कहना शुरू कर दिया कि सोनिया गांधी बहुत मेच्योर है पहले आपको कहा मैंने पहले आपको नजर नहीं आती थी देखा ही नहीं था मैंने हाइट में छोटी होंगी मैं लंबा हूँ ऊपर <laughs> से ही नजर निकल जाती है शी इज ए वेरी डिफरेंट पर्सन देन शी वॉज बिफोर सत्ता में आती वो बदल गई 100 टका करेक्ट स्टेटमेंट कहा यही करीब करीब आज भी रिपीट करूंगा इमरजेंसी में कितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने ओपनली अपोज किया इमरजेंसी को मैं तो छोटा आदमी था तब अपोज किया उसके कारण रेड हुआ हरदम बोलता गया उसके बाद तो वही कहा है मैंने उनकी मदर इन लॉ ने किया था इमरजेंसी तब भी मैंने कहा कि इमरजेंसी के अगेंस्ट था और हाँ सोनिया गांधी के अगेंस्ट मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं था बोलने की दरकार नहीं थी वो मेरे दोस्त कहते थे कौन एक मेरे दोस्त है उनका नाम है शरद पवार वो कुछ फॉरेन फॉरेन बोलते थे उनको वो बोलते थे और मेरे दोस्त है पर हमने कभी कहा नहीं था और आप... ये भी मैं कहता हूँ आज फिर से कहता हूँ अब ये फिर बोलेंगे चप गिरी है पर क्या सच नहीं बोलूँ क्या कि पिछले दस साल में जो थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूं, दस साल बोलिए आठ साल बोलिए सोनिया जी को बहुत मैच्योरिटी आई है बहुत नॉलेज आई है हिंदुस्तान के बारे में आई है पर मेरे ये नहीं कहा और आज भी नहीं कह रहा हूं कि उनसे ज़्यादा समझदार हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं है पावरफुल ज़रूर हैं पावरफुल तो ज़रूर है आज सबसे ज़्यादा इसीलिए आपको कहना पड़ रहा है कि मैच्योर हो गई है इसीलिए क्या करना पड़ रहा है इसलिए उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा समझदार नहीं बड़ा डेंजरस स्टेटमेंट कर दिया मैंने आपके हिसाब से तो नहीं बिल्कुल डेंजरस में रहना ही नहीं मिलेगा मेरे को इतना तो वो भी समझते लेकिन पिछले दस साल में क्या सोनिया गांधी बदली है कि आपका परसेप्शन बदला है देखिए क्योंकि वो बदली इसलिए मेरा मेरा परसेप्शन बड़ा है बदला है शरद पवार भी इनको विदेशी करार देते रहे हैं हाँ तो शरद पवार को बुलाइए यहाँ पर पूछिए आपके ऊपर बहुत असर है शरद पवार का मेरे ऊपर उनका असर है या उनके ऊपर मेरा असर है ये तो आप डिसाइड करिए सर मैंने अभी आपने राहुल साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि देट इज एन अपॉर्चुनिटीज बट बीइंग अ बिजनेसमैन यू हैव टू बी एपॉर्चुनिटीज आप अगर मौका जो आएगा उसको गवा देंगे तो आप बिजनेस तो कर ही नहीं सकते तो उसके लिए पॉलिटिकल रिलेशंस बनाए या इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनाए उसमें बुराई क्या है बिल्कुल ठीक इनको यहाँ बिठाइए मैं उधर जाता हूँ बिल्कुल ठीक है आपने क्या यही वजह पर है पर आपने बिल्कुल यही कहा और इसलिए आज 90% परसेंट ऐसे ही बिहेव करते हैं मेरा मानना है मैं उनमें से नहीं हूं पर इसका यह मतलब नहीं कि आप बेमतलब क्रिटिसाइज किए जाओ जो मुझे ठीक लगता है देश के लिए ठीक लगता है वो मैं कहता हूं उसमें मेरी गलती हो सकती है कभी कभी पर मैं ये नहीं देखता हूं कि गवर्नमेंट इसको पसंद करेगी या पसंद नहीं करेगी पर यह जरूर है कि गाली गलौज करना बेमतलब रॉन्ग वर्ड्स यूज करना या रूडनेस से आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे यदि आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपकी बात सुने तो आपको पोलाइटली बट फर्मली कहना चाहिए और वही मैं कोशिश करता हूं तो आप क्यों नहीं चले जाते राज्यसभा में कोई बुलाता नहीं है और ना मेरे को टाइम है वहां पर टाइम खराब करने के लिए मैं जाके करूंगा क्या वहां पर जो भाषण यहां दे रहे वह वहां दे सकते हैं सु, यहां सुनने को लोग हैं वहां खाली हाउस रहेगा वो अपना ले लेते डेली भत्ता और उसके बाद गायब हो जाते हैं हॉल सेंट्रल हॉल में बैठते हैं और वो वहाँ के कैंटीन बड़ी अच्छी है बड़ी सस्ती है और बड़ी स्वादिष्ट चीज़ें मिलती हैं समोसे बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि जितने आपके दोस्त हैं राजनीति में उसको देखते हुए लगता है कि आपकी असली जगह वहीं पर है प्राइवेट लाइफ है अपनी आप जैसे ही पोलिटिकल लाइफ में आओगे कोई भी कुछ बोल सकता है सुबह आठ बजे से आपके घर में आ सकता है हाँ तो मैं दस बजे तक सो तो मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है नहीं जी ये धंधा नहीं करने का पब्लिक लाइफ में और अभी में थोड़ी करना है राहुल जी अब ये बता दीजिए कि जब बच्चे काम संभाल लेंगे आप सिर्फ चेयरमैन रह जाएंगे तो खाली वक्त में क्या करेंगे चमचागिरी तो गवर्नमेंट की नहीं करूंगा बट जहाँ लगता है गलती कर रहे हैं वहां उनको ठोकूंगा बताऊंगा कहाँ गलती है जिससे कि देश के और देश के लोगों का फायदा हो ये तो राजनीति में जाने की दिशा में पहला कदम हुआ अब ये तो इनकी रीडिंग है आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ इल्जाम हैं, सवाल हैं। राहुल बजाज पर जनता का मुकदमा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद आज इल्जाम और सवाल के घेरे में हैं राहुल बजाज जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट आपकी अदालत में इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल बजाज पर आरोप है कि ये जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और जब बोलते हैं तो कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं आई प्लीड इनोसेंट आपको उदाहरण बताता हूँ 6 फरवरी 2003 का सी की मीटिंग थी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे और आपने उनके घाव पर नमक छिड़कने का काम किया घाव पर नमक निम, छिड़कने का काम तो मेरे हिसाब से नहीं किया जो ठीक लगा वो कहा उससे वो बहुत नाराज हो गए और फिर डर के आपने माफी मांग ली एकदम गलत ज़िंदगी में एक जब मैंने गलती नहीं की तब कभी माफ़ी नहीं मांगी जब गलती की हरदम माफ़ी मांगी सी आई आई के डायरेक्टर जनरल तरुण दास अहमदाबाद गए उन्होंने माफ़ी मांगी मेरे इच्छा के विरुद्ध ये पब्लिकली मैं कह रहा हूँ और तरुण दास ये प्रोग्राम जरूर देखेंगे बहुत डिस्टर्ब था मैं बहुत अनहैप्पी था और नरेंद्र मोदी जी भी प्रोग्राम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि राहुल बजाज ने माफ़ी नहीं मांगी इसलिए नहीं कि माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए गलती की होती जरूर मांगता गलती नहीं की उस दिन तो बिल्कुल गलती नहीं की किस बात की माफी मांगता पर मैं तरुण दास को कैसे बंद कर सकता था लेकिन आपने मरहम लगाने का काम जरूर किया जब नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक समिट में आए 25 नवंबर को और वहां कुछ एक्टिविस्ट ने एन जी ने प्रोटेस्ट किया तो आपने कहा मोदी इज एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और इस तरह का जो हृदंग है वो ठीक नहीं है करेक्ट बात है उसको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वो जब इंडिया इकोनॉमिक समिट में कोई इस तरह की सी आई आई की मीटिंग में आए मैं उनके साथ देश में था ही नहीं सीआईआई ने मेरे को उनके साथ देश में डाला ही नहीं मिलाया ही नहीं क्योंकि वो घबरा गए सीआईआई वाले की तो मैं फिर ठोक दूंगा इनको पर क्या हुआ वो जो एक्टिविस्ट आए वो बाय चांस मोदी जी आए मैं निकला कहीं से और वो उनमें से लीडर कौन थी नफीसा अली नफीसा अली जिनको मैं आज दस साल से बड़े अच्छी तरह से जानता हूं एंड आई होल्डर इन वेरी हाई रिगार्ड तो उन्होंने कुछ शुरू किया बोलना तो मेरे को तो सीआईआई की तरफ देखना था उनको बाल, बाल, बाज भी ज़्यादा करते भी क्या वो होटल के अंदर थे सिक्योरिटी वाले खड़े थे सब तो मैंने कुछ ना कुछ कहना था मैंने यही कहा कि देखिए इलेक्टेड है ये चीफ मिनिस्टर कहा मैंने समथिंग लाइक आई रिमेंबर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है तो लोगों ने इलेक्ट किया है ऐसा कुछ मैंने कहा जिससे कि बात खत्म हो जाए मुझे तो याद भी नहीं है कि उन्होंने वो निकल गए थे तब तक या नहीं उन्होंने सुना भी कि नहीं मुझे याद नहीं और उनको सुनाने के लिए मैंने कहा ही नहीं रजत जी लेकिन जब अखबारों में छपा तो उन्होंने पढ़ ही लिया होगा तो वो जाने वो जाने उसकी फिक्र मैं नहीं करता सब चीज़ अखबारों में आती है उसकी फिक्र करना लगभग तभी तक हार्ट अटैक होकर मर जाता बहुत चीज़ें लिखते हैं लोग आपके बारे में भी मेरे बारे में भी सबके बारे में आप तो डरते हैं ना आप एक जमाने में मिडिल मिडिल वेट बॉक्सर थे आप एक जमाने में नहीं लाइट हैवी वेट मिडिल वेट से भी बड़ा होता है वो लाइट हैवी वेट पर स्कूल में थे स्कूल तो का वेट जरा कम होता है स्कूल चैंपियन था मैं और स्कूल में बॉक्सिंग कैप्टन था तो आदत अभी भी बरकरार है मार पिटाई करने की है <laughs> और चूंकि इस इल्जाम में आप मान चुके हैं कि आप जरूर से ज्यादा बोलते हैं तो मैं ज्यादा इंसिस तो मानना पड़ेगा मेरे फैमिली भी बोलती है वाइफ भी बोलती है सब लोग बोलते हैं मेरे को क्या करूं पर वो जो आपने दूसरा स्टेटमेंट किया वो मैंने एडमिट नहीं किया ना मुझे लगता है कि बड़ी समझदारी से बात करता मेरे को बोलना पड़ेगा ना ये बोलेंगे गलत बात करते हो तो क्या क्या बोलूँ ये बात सही है कि जब बोर्ड की मीटिंग होती है तो फिर किसी को बोल नहीं दे देते आप किस बोर्ड मेंबर ने ऐसा कहा आपको आप उसे निकाल देंगे बिल्कुल <laughs> 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 नहीं देखिए बोर्ड बोर्ड मीटिंग में बोलता हूँ काफ़ी पर हाँ आजकल कम कर दिया बोलना बच्चे लोगों को लगाता हूँ बोलने को पर बात जरूर थी बात करेक्ट बोर्ड में चेयरमैन और मैनेजिंग चेयरमैन भी हों मैनेंग डायरेक्टर भी हो चेयरमैन मैनेज डायरेक्टर नहीं बोलेगा तो कैसे बात चलेगी बोर्ड तो चलाना है ना और अब बट अब फर्स्ट अप्रैल से मैं मैनेज डायरेक्टर नहीं रहूंगा मेरा बड़ा रक्का मैनेज डर बनेगा फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फाइव से मैं सिर्फ चेयरमैन रहूँगा तब कम बोलेंगे या और ज़्यादा बोलेंगे तब बोर्ड में कम बोलूँगा बोर्ड के बाहर ज़्यादा बोलूंगा आपकी अदालत में राहुल बजाज पर जनता का मुकदमा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद की अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं बजाज स्कूटर बनाने वाली कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल बजाज आपकी अदालत में उद्योगपति राहुल बजाज पर आरोप है कि इनके दोहरे मापदंड हैं राहुल जी डबल स्टैंडर्ड्स डबल स्टैंडर्ड अच्छा आपको ध्यान सेवन में आपने बॉम्बे क्लब बनाया था टेक्निकल आंसर इज नो क्योंकि मैंने बनाया नहीं था ना मैंने किसी को लिखा ना मैंने किसी को बोला पर कुछ लोगों ने मेरे को लिखा कि अस गेट टुगेदर वी गॉट दैट बिकेम नोन एज बॉम्बे क्लब लेड बाय राहुल बजाज नो no, उसमें बड़े बड़े लोग थे हरिशंकर शंकर सिंगानिया भरत राम जी गोडरेज जमशेद गोडरेज बहुत बड़े बड़े लोग थे पर यह जरूर है वो धीरे धीरे गवर्नमेंट नाराज होते गई तो लोग खिसकते गए एक अकेला राहुल बजाज इडेंटिफाई रह गया बॉम्बे क्लब से आप दूसरे कोई नाम ही किसी को याद नहीं है बॉम्बे क्लब के खाली राहुल बजाज वन मेंबर क्लब क्योंकि राहुल बजाज सबसे ज्यादा मुखर थे बोलने के लिए फॉरेन कंपनीज का विरोध करने वालों में हाँ, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी के विरुद्ध बोल रहा था मैं बड़ा नाराज थे एक मेरे से गवर्नमेंट वाले और मीडिया वाले क्योंकि उस वक्त फैशनेबल था लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हमको प्रोटेक्शनिस्ट बोला गया जो कि बात गलत थी हमने खाली यह बोला कि हिंदुस्तानी बिजनेस को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए बस अगर आपको लगता है कि मल्टीनेशनल जाने से आने से हिंदुस्तान के कमरों को भला नहीं होता तो फिर आप क्यों कावासाकी को लेकर आए नहीं 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 ऐसी बात नहीं है बिल्कुल और कावासाकी के पास मेरे कंपनी का एक टका भी शेयर होल्डिंग नहीं है मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप हम तो गांधी फैमिली के लोग हैं गांधी जी क्या बोलते थे विंडोज अपनी खिड़कियाँ खुली रखो दुनिया भर से आने दो आइडियाज हवा सब कुछ पर इतना मत आने दो कि हमारा जो पेड़ है वो मुड़ जाए या गिर जाए तो हम तो खाली टेक्नोलॉजी ले रहे हैं उनसे और वहां से क्यों ले रहे हैं टोक्यो बहुत जगह से हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं बड़ी और... बड़ी कंपनियां दुनिया भर की दूसरे लोगों से टेक्नोलॉजी लेती है पर मालकियत हमने दी नहीं है पर उसके बाद भी मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इसके विरुद्ध आज नहीं हूं कि आप मालिकियत नहीं दें हमने नहीं दी तो दूसरे लोग देते हैं मालिकियत ठीक बात है और आज चॉइस भी नहीं है आपके पास ज्यादा डब्ल्यू के अंडर आप मना कर नहीं सकते इंश्योरेंस कंपनी में दी मिल्कियत 26 उनको दी 74 अपन ने रखी कभी भी नहीं दे वो अभी तो आप कह रहे थे कि हमने कभी दी नहीं बजाज ऑटो की बात कर रहे थे अब आप आलियांस के बारे में पूछिए इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में पूछिए तो उसमें इंश्योरेंस के हमें कुछ समझ में नहीं आता है एक बात सेकंड आलियांस दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में इंश्योरेंस में है तीसरी बात गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया अलाउ किया को को आने को ये कहा कि छब्बीस परसेंट ले सकते हो हमने किया आज क्या मानते हैं आप क्या को भारत में Indian companies में आकर के इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट करने की इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए मेरा मानना है कि सब चीज़ में नहीं आना चाहिए कोई बोलते हैं म्यूनसिपल कॉपरेशन भी कर देना चाहिए इंग्लैंड में किया है मेरा मानना है अभी हिंदुस्तान इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि दूसरी इतनी इंडस्ट्रीज है पब्लिक सेक्टर में दो कंपनियां हैं इनको करिए प्राइवेटाइज इसमें फॉरनर को आने दीजिए तो आज फॉरेनर को आने देने में कोई मेरे को एतराज नहीं है पर हां अमेरिका मेजॉरिटी फॉरेन ओनरशिप नहीं अलाउ करता है सिविल एविएशन में ब्रॉडकास्टिंग में टेलीकम्युनिकेशन में क्यों नहीं अलाउ करता है मेजोरिटी फॉरगेट डिफेंस इन तीन चीज में अलाउ नहीं करता है। हमको बोलता है तुम अलाउ करो पर ये तो खाली मैं डबल स्टैंडर्ड्स की उनकी बता रहा हूं आपको और डब्ल्यूटीओ में तो इतना डबल स्टैंडर्ड है एग्रीकल्चर में यूरोप एंड अमेरिका बेशर्मी से डेवलपिंग कंट्रीज का इतना नुकसान कर रहे हैं मैं ही चिल्ला रहा हूं बाहर जाता हूं बहुत बार बहुत जाता हूं वहां चिल्लाता हूं और इसीलिए विदेशी लोग मेरे से तो बड़े नाराज रहते हैं आप इतना चिल्लाते हैं और इतना बोलते हैं क्या यही वजह नहीं है कि आपके बेटों ने आपको कंपनी से बाहर करने का फैसला कर लिया है कोशिश जरूर की उन्होंने बहुत सक्सेस तो देखिए कैसे मिलेगी बाप बैठा हुआ है मैंने कह दिया उनको एमडी बन जा बेटे और चेयरमैन तो मैं ही हूं और मैनेजमेंट uh, पूरा दे दिया पर ओनरशिप तो अपने हाथ में है ना जी <laughs> अब इतना और बता दीजिए कि अंबानी परिवार में जो झगड़ा चल रहा है उसको सुलझाने में आप रोल प्ले कर रहे हैं जीरो क्योंकि में जी हाँ पर जीरो क्योंकि जैसे मैंने कहा ना मेरे पास टाइम है ना मेरे पास इंटरेस्ट है दोनों भाई मेरे दोस्त हैं दोनों भाई दोस्त हैं आई होल्ड बोथ इन वेरी हाई रिगार्ड मीन्स वगैरह मैं जाता नहीं बट इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन देश के लिए बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया है दो व्यूज हो सकते हैं किस तरीके से बना वो वगैरह 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 उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता पर इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन और आ, हम तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी सेटलमेंट से हो जाए शायद कामत साहब उसके वैल्यूएशन वगैरह कर रहे हैं पर अल्टीमेटली मेरे हिसाब से सेटलमेंट से दो भाई करेंगे और कोई नहीं करेगा और थप्पा लगाना पड़ेगा कोकिला बहन को उनकी माँ को बाकी बाहर वाला कोई नहीं दोनों बहुत समझदार हैं दोनों बहुत मच्योर हैं पर मेरे को लगता है चार छः आठ बारह महीना लगेगा और कल आज कल में नहीं होगा पर सेटलमेंट जरूर होगा नहीं तो अनिल का भी नुकसान है मुकेश का भी नुकसान है रिलायंस का भी नुकसान है और धीरू भाई अम्बानी की रेपुटेशन का भी नुकसान है इसलिए जरूर होगा सेटल पर टाइम लगेगा थोड़ा क्योंकि बिटरनेस अनफॉर्चुनेटली आपने कोशिश नहीं की समझाने की नहीं नहीं ये मेरा धंधा नहीं है और मेरी कौन सुनेगा मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ मेरी कोई नहीं सुने ये थे हमारे इल्जाम राहुल बजाज पर उनकी सफाई ये वक्त है आज के जज भार्गव के तहत मैं समझता हूँ कि बजाज साहब ने जो वकालत पढ़ी थी उसका ये पूरा इस्तेमाल किया आज और अपनी सफ़ाई बहुत ही काबिलियत से पेश करी तो आपके खिलाफ सिर्फ एक ही चार्ज रहता है कि आप बोलते ज़्यादा हैं और उसके लिए फिर आपकी सज़ा मेरे समझ में यही होनी चाहिए और मैं समझता हूँ जनता मानेगी कि आगे अब आप कोई कामकाज तो रहेगा नहीं कंपनी में इसलिए आपको सज़ा यही रहेगी कि आप रोज़ जाके कहीं भाषण दिया करेंगे और भाषण देने का आपका अगले साल तक रोज आप अपना रिकॉर्ड रखेंगे कि तीन भाषण आपके साल में होने चाहिए बस इसी सज़ा के साथ मैं इस अदालत का काम ख़त्म करता हूँ आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई पर्सनलिटी के साथ तब तक के लिए लूँगा इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर